أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. My name is محمد توفيق خان، lecturer in statistics، HR خان government degree girls college، PIV college. Last time मैंने जो लेक्चर अपना अपलोड किया था वो सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए था. इस दफा मैं अपना लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए. ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी, बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा. इसके अंदर जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हम लोग ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रैब मैट्रिसेस, जो कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम में लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन भी होता है इसके अंदर. और बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर वहाँ पर मैथ्स के पोर्शन में ये मैट्रिसेस का पार्ट आता है इसके अंदर. तो आज की इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट भी फायदा उठा सकेंगे और बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकेंगे. ये मैंने जैसा आपको अभी बताया, क्लियर किया कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए भी होगा, बीकॉम पार्ट वन के लिए भी होगा और टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस. अब देखिए, इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास बुक मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये दो बुक्स यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए. इसके अंदर काफ़ी मटेरियल है. एक नदीमुद्दीन साहब की बुक है और एक शाहिद जमाल साहब की बुक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं. और इसके अलावा जहाँ से भी आपको आपको ये टॉपिक मिले, आप वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं. मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है मैट्रिसेस? मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर अरेंज इन अ रोज एंड कॉलम्स. यानी ये मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें हमारे रियल नंबर जो होता है वो अरेंज होता है, रॉ वाइज अरेंज होता है और कॉलम वाइज अरेंज होते हैं. अगर आप क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को अरेंज करते हैं रॉ वाइज भी और कॉलम वाइज भी, तो वो एक रेक्टेंगुलर एरे बन जाता है और वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है. सही है? तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है उसको अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं रॉ वाइज एंड कॉलम वाइज, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, ए मैट्रिक्स है यहाँ पर. इसके जो हमारे पास ये डायमेंशन क्या है, इसके 2x3 है. फर्स्ट नंबर जो है वो हमें शो कर रहा होगा नंबर ऑफ रॉस को, और सेकंड जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा होगा. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं और ऑर्डर भी कहते हैं हम लोग. सही है? ऑर्डर में हमेशा पहले, सबसे पहले जो मेंशन होगा वो हमारे रॉस मेंशन होती है, फिर उसके बाद कॉलम मेंशन होते हैं. मेन टाइप्स, आपको टाइप्स भी मालूम होनी चाहिए मैट्रिक्स की. स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या है, अ मैट्रिक्स दैट हैज द सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. स्क्वायर, देखें स्क्वायर शेप तो आपको मालूम ही होगा कि एक चौकोर उसमें होता है. अब ये मैट्रिसेस के अंदर जब हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, तो वहां पर हम लोग इसको रोज और कॉलम से डिफाइन करेंगे. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है. अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर यहाँ मेंशन हुआ है 2, 3, -5 एंड 4. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसकी डायमेंशन देखें यहाँ पर 2x2 है. इसकी डायमेंशन क्या है, 2x2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स दिया हुआ आपको, वहां पर उसके डायमेंशन हमारे पास क्या है, 3x3 होगी. इसकी डायमेंशन हमारे पास 3x3 है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सही है? यानी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. अब इसी से आगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि जो मेन डायगनल है उसके तमाम एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, और मेन डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे. और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं हम लोग, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होगा. यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी बराबर होंगी. ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी डिफरेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा. और उसकी दूसरी निशानी है कि इसका जो मेन डायगनल में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल होंगे, और
मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने एक मेंशन किया आई 1001, डायगनल में इसके वन आ रहा है और इसके अदर डायगनल जितने भी एलिमेंट है वो जीरो हैं। और सबसे अहम चीज, एक और चीज, कि इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय आई, और उसमें जो ऑर्डर मेंशन होगा वो उसके साथ लिखा हो जाएगा, एन लिखा जाएगा उसके साथ, क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। देखिए दूसरे मैट्रिसेस है उसमें जो ऑर्डर मेंशन हो रहा है उसका, जो वहां पर ऑर्डर मेंशन कर रहे हैं, डायमेंशन जो मेंशन कर रहे हैं उसके 3x3 है, यानी एम मल्टीप्लाई बाय एन होगा। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग उसके डायमेंशन किस तरीके से मेंशन करेंगे कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन करेंगे, यानी 2x2 है, 3x3 है, और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो 2x3 भी हो सकता है या 3x2 भी हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को मेंशन करने के लिए, डिनोट करने के लिए यहाँ पर आई को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और आई के साथ जो है उसका एन लिखा होगा सिर्फ, यहाँ पर एम मल्टीप्लाई बाय एन करके मेंशन नहीं होगा। अब यहाँ 2x2 का है तो आई के साथ 2 मेंशन हो गया, ये 2 जो है इसके ऑर्डर को शो कर रहा है। इसी तरीके से 3 रोज और 3 कॉलम्स का, यहाँ पर डायगोनल में देखें यहाँ पर तमाम उसमें 1 आ रहे हैं और 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 हैं। अब यहाँ एक बात का ख्याल रखें, यहाँ देखें कि उसके साथ क्या लिखा, आई के साथ लिखा 3 लिखा। अब यहाँ 3 मेंशन हो गया तो इसका मतलब है 3 रोज और 3 कॉलम्स होगा, यानी जितने 1 होंगे डायगोनल में वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ 2 1 है तो यहाँ पर i के साथ क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ डायगनल में कितना 1 मेंशन हुआ है, 3 है 1, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो ये i 3 शो कर रहा है कि ये 3 रोज और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, सही है। चलो इसी तरीके से आगे चलते हैं। मेन टाइप्स में और क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, सही है। यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, वो रेक्टेंगुलर कहलाएगा। वो 1x2 भी हो सकता है, 3x2 भी हो सकता है, 2x3 भी हो सकता है, जो भी, वट एवर। यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है यहाँ। अब इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, 3x2। कितनी रोज है यहाँ पर, 3 रोज है, और कितने कॉलम है हमारे पास, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो हमारा ऑर्डर हो गया 3x2 का हो गया, यानी डायमेंशन इसकी 3x2 हो गई। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हम लोग। यहाँ पर कितनी रोज है हमारे पास, 2 रोज है, और कितने कॉलम है हमारे पास, 3 कॉलम्स हैं, सही है। तो इसकी जो डायमेंशन हो गई वो हमारी 2x3 हो गई। पहला नंबर जो है वो शो करता है नंबर ऑफ रोज को, दूसरा जो शो करेगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ पर भी पहला नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, दूसरा किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। क्लियर हो गई ये बात। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते, सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगी, और जो नंबर ऑफ कॉलम होगा नंबर ऑफ रोज बन जाएगी। यानी जो हॉरिजॉन्टल होगा यानी रॉ होगी वो कॉलम बन जाएगी, और जो कॉलम होगा या वर्टिकल होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कॉलम जो है वो रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, उसका डायमेंशन है एम मल्टीप्लाई बाय एन। अब इसमें यहाँ पर एम मल्टीप्लाई बाय एन है, तो इसके जब हम लोग यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी एन मल्टीप्लाई बाय एम हो जाएगी। पहले एम मल्टीप्लाई बाय एन थी, अब यहाँ क्या हो गया हमारे पास, एन मल्टीप्लाई बाय एम होगी। जो नंबर ऑफ कॉलम था वो नंबर ऑफ रॉ बन जाएगी, और जो नंबर ऑफ रॉज होगा वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगी। अब इसी को देखते हैं, इसी एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लेते हम लोग, ए मैट्रिक्स का देख लेते हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल लें हम लोग। तो क्या हो गया, अगर मैं ऊपर जो गिवन है ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम था वो रॉ बन गई, सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड रॉ बन जाएगी। और बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो अब आप बताइए जरा खुद से, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करें, बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे आप इसका। बिल्कुल सही। अब देखें यहाँ पर बी ट्रांसपोज, अब देखें जो रॉ थी वो क्या बन गई, कॉलम बन गई। जो रॉ थी वो क्या बन गई, ये रॉ थी ये कॉलम बन गई, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम बन गया। और यहाँ पहले इसकी डायमेंशन 2x3 था, अब इसकी डायमेंशन क्या हो गई हमारे पास, 3x2 हो गई। पहले देखें यार रॉस कितनी थी, 2 रॉस थी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में।
और जो कॉलम था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रॉ के अंदर। तो ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो रॉ होगी वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम होगा वो रॉ बन जाएगी। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, जहन में रखिएगा इसको बात को। अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैट्रिसेस के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या है हमारे पास, कुछ बातों को जहन में रखना पड़ेगा। इसके अंदर क्या कंडीशन है, इसके अंदर हमारे पास कंडीशन है कि ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स शुड बी सेम, यानी उसका ऑर्डर और डायमेंशन दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ मैट्रिसेस का वर्ड यूज किया हम लोगों ने कि दो मैट्रिसेस हैं या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं तो उनका ऑर्डर या उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रॉज है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी कितनी रॉज होनी चाहिए, 3। अगर पहले में 2 कॉलम है तो दूसरे में भी कितने कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। अगर ऑर्डर या डायमेंशन उसकी सेम होगी तो हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर हो गई बात। फॉर एग्जांपल जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, 2, 4, 1, -1, 0, इसकी डायमेंशन हो गई 3/2 हो गई। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये 2 रॉज है और 3 कॉलम्स है, उसकी डायमेंशन हो गई 2/3। आप देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हम लोग यहाँ पर। जैसे पहले पार्ट में ए प्लस बी निकालना है, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, फिर थर्ड वाले में 2 को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी के ट्रांसपोज से। चलें देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये सॉल्यूशन पहले वाले का, ए प्लस बी। अब क्योंकि देखा हम लोगों ने यहाँ पर के ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डायमेंशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बी। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि ए का जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास 3/2 था और बी वाला जो मैट्रिक्स था 2/3 था, क्योंकि डायमेंशन सेम नहीं थी तो इस वजह से ऐड नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर जो है डायमेंशन का सेम होना जरूरी है। अब सेकेंड क्वेश्चन है ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखिए पहले बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें तो वहां पर जो गिवन मैट्रिक्स है वो खाली ए है और बी है, तो बी ट्रांसपोज आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। और बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑर्डर को चेंज कर देता, वो क्या करता है ऑर्डर को चेंज करता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर अब हमारे पास यहाँ ये ए मैट्रिक्स आ गया और बी का ट्रांसपोज निकाला। देखें बी जो था वो क्या था, 2/3 का था। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास जब ट्रांसपोज लिया तो 3/2 का हो गया। अब एडिशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट से ऐड होगा, फोर्थ एलिमेंट से ऐड होगा, फिफ्थ वैल्यू से, और सिक्स वैल्यू से। सही है। अब 3 में हम लोगों ने ऐड करना -4। अब देखें 3 लिखा हमने तो प्लस और ये -4 लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन थी तो हमने ब्रैकेट पर आके -4 लिख दिया। फिर यहाँ 2 किसमें ऐड होगा, 7 में, 4 ऐड होगा किसमें, 6 के अंदर, 1 के साथ कौन ऐड होगा, 3, तो -1 से कौन ऐड होगा, 8, और 0 से ऐड होगा 9। जब हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। देखिए पहले ए प्लस बी जो है वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनकी डायमेंशन अलग अलग थी। तो ये पॉसिबल कब हुआ, जब हमने बी का ट्रांसपोज निकाला तो फिर जब हमने ए के साथ ऐड किया तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ कितनी रॉस थी, 3 रॉस, यहाँ पर भी कितनी रॉस बन गई, 3, यहाँ कितने कॉलम बन गए, 2 कॉलम, यहाँ पर भी कितने कॉलम बन गए, 2 कॉलम, तो ये ऐड हो सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी ट्रांसपोज से। अब क्योंकि हम लोग ऊपर वाले पार्ट के अंदर हम लोग ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं, अब उसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ये देखें ये 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, वो मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी ट्रांसपोज से। अब देखें यहाँ 2 लिखा हमने और ए प्लस बी ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया था वो लिख दिया,
अब जब भी कोई स्केलर वैल्यू किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि वो अंदर तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये टू जाके तमाम अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होगा वन बाय वन, सही है। टू मल्टीप्लाई होगा पहले किससे, माइनस वन से, फिर टू मल्टीप्लाई होगा नाइन से, फिर टू मल्टीप्लाई होगा टेन से, फिर टू मल्टीप्लाई होगा फोर से, फिर टू मल्टीप्लाई होगा सेवन से, और टू मल्टीप्लाई होगा नाइन से। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, माइनस टू, एटीन, 28, 14 और 18। क्लियर हो गई बात? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या बात सीखी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त उन दोनों के हमें ऑर्डर को सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर उनके सेम होंगे तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट इसमें चलते हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर। अब देखो, मल्टीप्लाई करना है, हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस है हमारे पास, सही है। क्या कंडीशन है हमारे पास कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहले वाले में जितने भी कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रॉस के बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। क्या कहा? पहले मैट्रिक्स का क्या देखना, नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स के देखना नंबर ऑफ रॉस। अगर बराबर है तो वो मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में थ्री कॉलम्स है तो सेकेंड मैट्रिक्स की कितनी रॉज होनी चाहिए, थ्री रॉज होनी चाहिए। पहले के थ्री कॉलम्स हैं तो सेकेंड वाले के थ्री रॉज होने चाहिए। अगर पहले में दो कॉलम है तो सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर भी दो रॉज होनी चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स है ए, उसकी डायमेंशन है 3/2। अब दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी, उसकी डायमेंशन है 2/3। क्लियर है ये बात? अब देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी, सेकेंड में मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज से, और थर्ड में बी को मल्टीप्लाई करना है ए से। क्लियर है बात? तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कंडीशन है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होंगे तो ये हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलो अब देखते हैं यार इसका सोल्यूशन। फर्स्ट वाले में ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए का ऑर्डर हमारे पास था 3/2, यानी थ्री रॉस थी और टू कॉलम्स थे, और बी में क्या था हमारे पास, उसकी डायमेंशन क्या थी, 2/3। अब देखें यहाँ पर जब इनके डायमेंशन सेम हो गए, डायमेंशन सेम नहीं हुए यानी हमारे पास जो लॉ थी, जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो ये पहले वाले में कितना हमारे पास 3/2, यानी थ्री रॉज एंड टू कॉलम्स, और सेकेंड वाले में टू रॉज एंड थ्री कॉलम्स। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रॉज के इक्वल होने चाहिए। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो पा रहा है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी, उसका क्या वो ऑर्डर होगा उसका 3/3 का। देखें एग्जाम में ये ब्लैंक्स के अंदर ये चीज पूछी जाती है, जो कंडीशन मैंने आपको ये सामने यहाँ लिखी है, ये पूछी जाती है ब्लैंक्स के अंदर कि कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/2, दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। सही है? तो ये टू और ये टू हट जाएगा हमारे पास, पहले वाले के नंबर ऑफ रॉस दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम, ये इनको मिला के हम लोग एक नया जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका डायमेंशन आ जाएगा, अगर पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रॉस के बराबर है तो। सही है? अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हम लोग, ये ए और ये बी। अब मल्टीप्लाई करने के लिए रूल क्या हमारे पास, पहले मैट्रिक्स की रॉस दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। पहले मैट्रिक्स की रॉ जो है वो दूसरे कॉलम के मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। सही है? यानी हमारे पास ए मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है और बी मैट्रिक्स बाद में है,
तो ए की जो रॉ है फर्स्ट रॉ, वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यही फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यही फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरीके से सेकंड रॉ जो है वो फर्स्ट कॉलम से होगी, तो सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से, तो सेकंड रॉ थर्ड कॉलम से, इसी तरीके से थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम से, और फिर थर्ड रॉ थर्ड कॉलम से। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, जैसे फर्स्ट रॉ है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो किस तरीके से होगा? पहला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से, और साइन बीच में कौन सा आएगा? प्लस का। साइन बीच में कौन सा होगा? प्लस का। क्लियर है बात? अब चले मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट रॉ, जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, पहला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई हुआ, थ्री मल्टीप्लाई हुआ माइनस फोर से, फिर टू मल्टीप्लाई हुआ सेवन से, और साइन बीच में किसकी आ गई? प्लस की। फिर यही फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम से होगी, थ्री मल्टीप्लाई हुआ सिक्स से, टू मल्टीप्लाई हुआ थ्री से, और साइन बीच में प्लस की साइन है। अब यही फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, थ्री मल्टीप्लाई होगा एट से, और टू मल्टीप्लाई होगा नाइन से, और साइन बीच में किसकी आ गई? प्लस की। अब सेकेंड रॉ की बारी आई जब, तो फोर मल्टीप्लाई हुआ माइनस फोर से, वन मल्टीप्लाई हुआ सेवन से, और बीच में साइन आ गई प्लस की। यही सेकेंड रॉ जब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फोर मल्टीप्लाई होगा सिक्स से, वन मल्टीप्लाई होगा थ्री से, फोर मल्टीप्लाई हुआ एट से, और वन मल्टीप्लाई हुआ नाइन से। इसी तरीके से हम लोगों ने थर्ड रॉ को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन बीच में किसकी आएगी? प्लस की। अब देखिए, ए मल्टीप्लाई बाई बी का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास आया 2, 24, 42, 9, 27, 41, 4, -6 और -8। क्लियर हो गई ये बात आपको? सही है। मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में प्लस का साइन होगा, और पहले वाले की रॉ दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई हो। क्लियर है ये बात आप लोगों को सबको? चलें फिर आगे चलकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ए मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। अब देखें, ए का ऑर्डर किया हमारे पास 3/2, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया हमारे पास 3/2। अब देखें, यहाँ पर पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉस के इक्वल होने चाहिए, तो टू यहाँ पर आ रहा है, पहले में कितने कॉलम है? टू कॉलम है। दूसरे वाले में कितनी रॉस है हमारे पास? थ्री रॉस है। तो ये दोनों बराबर हैं क्या? इक्वल है क्या? देखें यहाँ पर नहीं है इक्वल। जब ये नहीं है इक्वल तो ये क्या होगा हमारे पास? देखें यहाँ पर ये पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉस के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज इन मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज। सही है। जब यहाँ पर पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉज के इक्वल नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। चले अब ये थर्ड पार्ट की तरफ चलता अपना, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बी मल्टीप्लाई बाय ए हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? अब देखते हैं, यहाँ पर डायमेंशन पहले चेक कर लेते हैं। बी की डायमेंशन है 2/3 और ए की डायमेंशन है 3/2। अब देखें, यहाँ पर पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? थ्री है। दूसरे वाले में नंबर ऑफ रॉस कितनी है? थ्री है। अब ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हमें सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले नंबर ऑफ रॉस के इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा बी मल्टीप्लाई बाय ए का, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2 होगा। मैंने बताया था कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के, पहले वाले के नंबर ऑफ रॉस और दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर बना देते हैं हम लोग। सही है। क्लियर हो गई बात? मल्टीप्लाई करने के जो कंडीशन है पहले वही चेक करते हैं कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉस के इक्वल है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब मल्टीप्लाई करने का सिग्नल मिल जाएगा हमें, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, तो
तो उसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, क्या पहले वाले के नंबर ऑफ रॉस, दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स मिला के हम लोग उसका रिजल्ट, वो ऑर्डर मेंशन कर देंगे। अब बी मल्टीप्लाई बाय ए करने लगे हम लोग, ये बी मैट्रिक्स आ गया और ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगी किससे, पहले फर्स्ट कॉलम से, सही है। ये देखें ये रॉ चलेगी, पहले वाले की रॉ चलेंगी, दूसरे वाले की कॉलम्स, तो ये फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, और यही फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से। अब पहला एलिमेंट पहले वाले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा। और यही काम जब हम लोग फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात होगी कि पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से, और तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले से। अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगे हम लोग, माइनस फोर मल्टीप्लाई होगा थ्री से, फिर प्लस की साइन आएगी, इस चीज का ख्याल रखिएगा, मल्टीप्लाई करते वक्त बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर फोर सिक्स मल्टीप्लाई हुआ फोर से, एट मल्टीप्लाई हुआ माइनस वन से। अब यही फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम से होगी, तो माइनस फोर मल्टीप्लाई होगा टू से, सिक्स मल्टीप्लाई होगा वन से, और एट मल्टीप्लाई होगा जीरो से। इसी तरीके से जब सेकेंड रॉ मल्टीप्लाई होगी तो वो भी फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी, तो यही सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम से होगी, यानी सेवन मल्टीप्लाई हुआ थ्री से, फिर थ्री मल्टीप्लाई हुआ फोर से, और नाइन मल्टीप्लाई हुआ माइनस वन से, और सबके बीच में प्लस की साइन आ जाएगी। अब यही सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम से होगी, तो सेवन मल्टीप्लाई होगा टू से, थ्री मल्टीप्लाई होगा वन से, और नाइन मल्टीप्लाई होगा जीरो से। क्लियर हो गई स्टूडेंट बात, और बीच में प्लस की साइन आएगी, सही है। अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सॉल्व करके पूरा सॉल्व करके पहले इसमें फोर आया, तो यहाँ पर माइनस टू 24 और ये 50। क्लियर हो गई बात। आज हमने दो चीजें सीखी यहाँ पर मैट्रिसेस के अंदर, पहले तो हम लोगों ने टाइप्स हम लोगों ने देखी इसकी, बेसिक टाइप्स कौन कौन सी थी हम लोगों ने, जो ज्यादा यूज होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था यानी यूनिट मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मेन डायगनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो वन होते हैं, और मेन डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखा हमने कि नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, सही है। अगर इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो इस वजह से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेसिक फर्क ये है कि नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स का फर्क है। अगर इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर ट्रांसपोज हमने सीखा, ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रॉ होती है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम होता है वो रॉ बन जाती है, सही है। ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रॉ कहलाती है, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम कहलाता है। ट्रांसपोज में इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे हम लोग। फिर एडिशन हम लोगों ने देखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, उसमें क्या देखा हमने, क्या उसमें एक कंडीशन थी कि जब भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें मैट्रिसेस को तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बोथ कंडीशन, सही है। तो वहां पर ऑर्डर सेम होना जरूरी है। पहले वाले में अगर थ्री रॉज है तो दूसरे में भी थ्री रॉज होने चाहिए, अगर पहले में दो कॉलम है तो दूसरे में भी दो कॉलम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और मल्टीप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पर पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉस के इक्वल होने चाहिए, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिसेस का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो एक ही सेटिंग में वो कंप्लीट नहीं हो सकता था, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट तक हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन तक सीखा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो मैं पार्ट इसका अपलोड करूंगा तो उसमें डिटरमिनेंट्स और इनवर्स फाइंड करना, मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल वगैरह ये बताऊंगा, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, सही है। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने टाइम निकाल के इस वीडियो को देखा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को कामयाब करे और हमें इस कोरोना वायरस से महफूज करे।